आज हम पहुंचे हैं काकोरी घटनाक्रम, जहां पर हुआ था। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में जो दर्ज है, ऐसे स्थान पर हम पहुंचे हैं। तो दोस्तों को सुनाई दिया होगा ट्रेन की आवाज, बिल्कुल ऐसे ही आवाज 9 अगस्त 1925 को चल रही थी, क्योंकि जो ये स्टेशन है। ये वही स्टेशन है जहां पर 1925 में 9 अगस्त को हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्रांतिवीर थे, उन्होंने ट्रेन को लूटा था। और इस स्थान को काकोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से लगभग 2 किलोमीटर ही काकोरी नामक गांव है। अमर शहीद प्रवेश द्वार काकोरी, तो दोस्तों यही वो द्वार है जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे स्टेशन से, और जिस स्थान पे वर्तमान में स्मारक बना हुआ है, बिल्कुल वहीं पर उन्होंने ट्रेन की चैन खींची। वहां से ही 10 क्रांतिकारी ट्रेन में बैठे और उन्होंने लगभग 2 से 3 किलोमीटर इसी स्थान पर, हमारे पीछे ये पटरी है, जो आप ट्रेन जाते हुए देख रहे हैं, इसी प्रकार से जब ट्रेन अंग्रेजों की जा रही थी, जिसमें रेलवे का पैसा लगा हुआ था, पैसा भरा हुआ था, खजाना रखा हुआ था, उसको लूट लिया था। लगभग 5,000 रुपए, अभी तो केवल वो 5,000 रुपए है, लेकिन उस समय वो 5 लाख रुपए से भी अधिक उसकी वैल्यू थी, कीमत थी। जी हाँ दोस्तों, ये वही स्थान है जहां पर 9 अगस्त 1925 को हमारे 10 वीर क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्थान, मतलब यहीं पर ही घटना को अंजाम दिया था। अंग्रेजी जो ट्रेन थी जिसमें रेलवे का पैसा जा रहा था, उसको लूटा था। तो दोस्तों आप जो चित्र देख रहे हैं, हूबहू ये घटनाक्रम उस समय का ही है जब ट्रेन को लूटा गया था। जैसे हम पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं साइकिल से, तो हमारी भारत की यात्रा साइकिल से करने का मतलब केवल सड़कों को छान मारना नहीं है, हमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए कर रहे हैं। मैं मेरे देश के इतिहास को जानने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, भूखा रह सकता हूँ, प्यासा रह सकता हूँ और 1,000 परेशानियों को उठा सकता हूँ, क्योंकि यही इतिहास मेरी पहचान है। और इस कारण से इसको जानने के लिए, इसको महसूस करने के लिए और जीने के लिए मैं खुद निकला हूँ भारत की यात्रा पर। एक एक भारत के भाग पर जाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो समुद्र का किनारा क्यों ना हो, चाहे वो पहाड़ के ऊपर क्यों ना हो, चाहे नदी हो, पर्वत हो, पठार हो, गांव हो, शहर हो, सभी जगह जाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। तो चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि पर हम गए ही थे, और आप देखेंगे तो सबसे पहला जो चित्र है वो चंद्रशेखर आजाद जी का ही है, उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, और इस प्रकार से 10 लगभग क्रांतिकारियों ने, उस समय तो उनको कुछ नहीं हुआ था, वो यहाँ पर ही ट्रेन को लूटे थे और भाग गए थे। यहाँ पर उनका स्मारक बना हुआ है क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर वो घटना घटित हुई थी, काकोरी कांड हुआ था। नाम दिया है, घटना की जानकारी दी गई है, पर चले हैं उस स्थान की ओर जहां पर काकोरी कांड हुआ था। इसी प्रकार से ट्रेन चली जा रही थी, काकोरी स्टेशन पर क्रांतिकारी चढ़े और इस स्थान पर उन्होंने ट्रेन की चैन खींची और ट्रेन यहीं रुकी और यहीं पर इस कांड को अंजाम दिया गया था। बहुत ही सुंदर तरीके से इस जगह को डेवलप किया गया है। डेवलप करना ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको बरकरार रखना, उसमें साफ़ सफाई, चाक चौबंद चीज़ों को, ये देखिए आप चेयर लाइन से लगी है, आंवला के पेड़ लगी है, हर तरफ आपको साफ़ सफाई नज़र आएगी। और यहाँ पे जो काम करने वाले एक दादाजी जैसा मान है, वो भी लगातार लगे हुए थे, एक एक पत्ते के भी साफ़ कर रहे थे।
पुस्तकालय है, शौचालय है, पानी की व्यवस्था है, नलकूप है, और जगह जगह पे जानकारी दी गई है इस जो काकोरी कांड है वहाँ पे शहीदों की, और सब घटनाक्रम बताया गया है। अलग अलग जगह पे नल लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी यह जगह है, शांत जगह है, और कह सकते हैं कि भाई हमारा दायित्व बनता है कि हम जो अस्तित्व है इसको इसी प्रकार से हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश को के इतिहास को बरकरार रखें। ये केवल चंद लोगों का नहीं, हम सभी का दायित्व है कि हम सभी ऐसे स्थानों को साफ सुथरा और पवित्र रखें, क्योंकि यही हमारी पहचान है और यही हमारा अस्तित्व है, जो कि हमारे भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम कह सकते हैं घटना थी। और इसी घटना के बाद से ही हमारे भारत में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ था। ये पहली घटना थी जब क्रांतिकारियों ने कुछ इस प्रकार से जो अहिंसात्मक जो कार्रवाई चलती थी उसमें हिंसा का सहारा, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने यह सोचा कि भाई ये हमारे अस्तित्व का सवाल है, और ये वो पहला विद्रोह था, सशस्त्र विद्रोह था, जब उसके पहले तक तो हम असहाय अहिंसा आंदोलन चला रहे थे, विनती कर रहे थे अंग्रेजों की हमारी बात मानो मानो, लेकिन ये एक ऐसा क्रांतिकारी पहला कदम था जिससे जो अंग्रेज है वो थर्रा गए और अपने आन बान शान को वो समझ लिए कि भाई अगर हमने इस पर कार्रवाई नहीं की तो और भी घटनाएं हो सकती है। इस कारण से ही वो लोग ने हमारे जितने क्रांतिकारी इसमें लिप्त थे उनको किसी न किसी रूप में अलग अलग स्थानों से पकड़ा, बहुत सारे लोगों को उन्होंने फांसी दे दी, बहुत सारे लोगों को उन्होंने उम्र कैद दी, बहुत सारे लोगों को 10 वर्ष और विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी। तो ऐसे हमारा जो इतिहास है बहुत ही बड़ा संघर्षों का इतिहास है, और इसे जीना, इसको आत्मसात करना एक अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव दोस्तों। तो दोस्तों ये स्मारक है, मंदिर है, शहीद स्मारक है काकोरी कांड का, जिन शहीदों ने यहाँ पर उस घटना को अंजाम दिया। हालांकि उस समय तो कुछ नहीं हुआ, किंतु बाद में जो कार्रवाई अंग्रेजों द्वारा की गई उनमें अनेक शहीदों, अनेक जो हमारे क्रांतिकारी थे उनमें उन्हें या तो फांसी दे दी गई, या आजीवन कारावास किया गया, या तो प्रताड़ित किया गया, या अलग अलग प्रकार से उनको किसी को 10 साल, किसी को 14 साल की सजा सुनाई, किसी को 8 जन्म की सजा सुनाई। आप देख सकते हैं इस स्मारक में ऐसे बहुत सारे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई है। अमर शहीद अशफाकउल्लाह खां, इस प्रकार से तो ये पूरा का पूरा स्मारक है, और बहुत ही सुंदर तरीके से जो काका है यहाँ के उन्होंने साफ सफाई और इतनी पवित्रता से इसको बनाए रखा है कि इसकी जो शुद्धता है वो बरकरार है। लेकिन कई स्थानों पर हमने देखा है, खासकर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कांग्रेस की सरकार या अन्य पार्टी की सरकार है, मैं नाम इसलिए लूँगा क्योंकि मैं भारत की यात्रा कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि जो कांग्रेस की सरकार है हमारे इतिहास को केवल गांधी नेहरू उनके इतिहास को ही वो जिंदा रखी, बाकी जितने हमारे महापुरुष हैं उनके इतिहास को उन्होंने किसी न किसी प्रकार से दफन करने की कोशिश की है, समाप्त करने की कोशिश की है। लाखों रुपए खर्च करके अगर पहले की जो बीजेपी सरकार ने किसी चीज़ का डेवलपमेंट किया है, तो आने वाली अगर कांग्रेस की सरकार है तो उन्होंने उस जगह का ना तो ध्यान दिया है और उसको उसकी बहुत ही विचित्र हालत में, बहुत ही गंदी हालत में छोड़ दिया है, टूटते फूटते बेकार कंडीशन में। महाराणा प्रताप का हो, महाराणा प्रताप जब राजस्थान में हम गए थे तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन में देखा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैं कहना चाहूँगा। और भी बहुत सारी ऐसी मन की बातें हैं तो समय समय पर आपके साथ में हम शेयर करते रहेंगे। मेरी साइकिल से भारत यात्रा करने का केवल ये मतलब नहीं है कि मैं एक दो स्थानों के अच्छे अच्छे वीडियो बना के आप लोग के सामने पेश करूं। मेरा ये मानना है कि भारत का जो एक एक भाग है, एक एक कतरा कतरा है, वो किसी न किसी रूप में हमारी संस्कृति का प्रतीक है, कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के पन्नों में उस स्थान का भी जिक्र है। तो उसको आपके सामने अवगत करा सकूं ताकि आप भी हमारे भारत के अस्तित्व को जान सके, भारत के चप्पे चप्पे के महत्व को समझ सके और हमारे साथ पूरे देश को जान सके। मैं दोस्तों भारत
से साइकिल की यात्रा इसलिए कर रहा हूँ ताकि अभी जो हम वर्तमान में कंडीशन देखते हैं कि 90% लोगों के पास गाड़ियां हैं, चाहे फोर व्हीलर कहे या टू व्हीलर कहे, 10% लोग किसी न किसी अवस्था में, या तो वो चला नहीं सकते या बच्चे हैं या गरीब है, लेकिन 90% लोग जब गाड़ी लेके निकलते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं होती है। अगर एक बार आप शांत दिमाग से बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितनी प्रकार की समस्या है वो उसका कारण बिल्कुल यही है। तो मेरा मानना ये है कि मैं इस साइकिल के माध्यम से साइकिल क्रांति लाने निकला हूं दोस्तों। साइकिल क्रांति, जी हाँ, ये नाम आपको बिल्कुल ही एकदम यूनिक लगेगा, और जिस प्रकार से हमारे क्रांतिकारियों ने एक क्रांति का संगनाद किया था, वैसे ही मैं भी इस क्रांति का संगनाद 21 जून 2021 से ही कर चुका हूं। लेकिन अलग अलग परिस्थितियों को देखने सुनने समझने के बाद मैंने निर्णय लिया कि जब तक आप किसी बड़े स्तर पर परिवर्तन करना चाहते हैं तो अगर आप उसको क्रांति का स्वरूप नहीं देंगे, लोगों को नहीं जोड़ेंगे, तब तक बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। तो दोस्तों 21 जून 2021 को हमारी साइकिल यात्रा स्टार्ट हुई थी, और मेरा मानना यह है कि अभी 90% लोगों के पास साइकिल होनी चाहिए, भले 10% लोग या तो चला नहीं सकते होंगे या बच्चे होंगे या गरीब होंगे या किसी न किसी प्रकार से असमर्थ होंगे, तो 90% लोगों के पास आज के समय में मेरे हिसाब से साइकिल होनी चाहिए। इस कारण से ही ये मेरा प्रयास है कि 90% लोगों को किसी न किसी प्रकार से जागरूक कर सकूं कि वे साइकिल चलाएं। और जब आप साइकिल चलाते हैं दोस्तों, सुबह शाम एक एक समय रहता है, या जब आप साइकिल से किसी काम के लिए निकलते हैं तो जब आप सड़कों पे साइकिल ही लेके निकलेंगे तो बहुत कुछ आपको सकारात्मक दिखाई देगा। आपके पैसे की बचत होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, पर्यावरण संतुलन होगा, एक्सीडेंट बहुत कम होगा दोस्तों। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, अब मैं क्या बताऊं, एक बार में इतना सब कुछ आपको बता पाना संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को जानने के साथ साथ हमारा जो उद्देश्य है वो भी आपके सामने रखते जाएंगे, और पूरे भारत के अस्तित्व को हम सब मिलकर जानने का प्रयास करते जाएंगे। तो मैं मेहुल भारत यात्री आज आपके सामने अपनी बात मैंने रखी है, और मैं पूरे भारत की साइकिल से यात्रा पर निकला हूँ। और आज हमारी भारत यात्रा को पूरे 515 दिन हो चुके हैं दोस्तों, और आज हम पहुंचे हैं काकोरी घटना क्रम, जहां पर हुआ था, इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में जो दर्ज है, ऐसे स्थान पर हम पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल उस घटना का चित्र, सचित्र वर्णन किया गया है। ट्रेन का बिल्कुल यही वो पटरी थी जहां पर से उस ट्रेन से जो खजाना था लूटा गया था, और लूट करके हमारे जो क्रांतिकारी भाई लोग थे वो देश के अलग अलग भागों में भाग गए थे। लेकिन चूंकि उनके पास, अंग्रेजों के पास सत्ता थी, धनबल था, उनके पास सभी चीजें थी, इस कारण से ही, लेकिन हम लोगों ने भी बहुत कुछ प्रयास किया, और जो प्रयास है वो आपके सामने है। आज ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो भी भारतीय ही है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। और जो वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर भी मेरी पैनी नजर है। मैं केवल इतना ही अभी देखना चाहता हूँ कि हम कब तक चिल्लाते हैं, कब तक जोश में रहते हैं, या फिर हमारा जो ये प्रयास है वो निरंतर जारी रहेगा। इस पर मेरी भी बहुत सारी राय है, मैं समय आने पर आपको मेरी राय भी, मेरी इच्छा भी, मेरी सोच भी, और किस प्रकार से इसमें एक सकारात्मक हम कुछ अच्छा बदलाव कर सकते हैं, या एक ठोस जो कदम है कर सकते हैं। जो घटनाक्रम चल रही है बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद घटनाक्रम है। जो अभी हम पास्ट की बात करें, हमारी जो बहन है श्रद्धा के साथ हुआ था, ऐसी बहुत सारी हमारी बहनों के साथ हुआ है, तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।